Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 for Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन किस तरह से फीलिंग्स रखते हैं, उनकी भावनाएं क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है, ऑफकोर्स उनका नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव हम देखेंगे. ऑलराइट, सो ऑफकोर्स आप जानते ही है टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस और इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन. गाइज प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल. अभी आप पूरी तरह से अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और हम देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए क्या महसूस करते हैं. यूनिवर्स पेड गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. उनके पार्टनर्स उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, प्लीज़ बताएं. वी डू हैव द हार्वेस्ट, वी डू हैव द फाइव ऑफ वैंड्स. द क्रोन. We do have Seven of Pentacles, Knight of Chalices, Seven of Wands, King of Wands. मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि आपके फीलिंग्स क्या है ताकि आपको भी पता चले. ऑलराइट, कि रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेंट कर रहा है. तीन कार्ड आया तो हम ले सकते हैं. वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटेकल्स. एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटेकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको देखो कॉन्स्टेंटली मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है. अच्छा पहले मैं बता देती हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, वृषभ कन्या मकर राशि है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि है, एरीज लियो एंड सजिटेरियस है. यहाँ पे आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. यहाँ पे एवरी साइन इज देयर, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, एवरीथिंग. इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 20, 5, 8, 8, 8, 8, 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगस्त महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, 3, 7, 7, 7, सो जुलाई महीना, मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है. नाउ कमिंग इन टू योर एनर्जी, योर सिचुएशन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको जैसा लग रहा है कि इस इंसान की फितरत जो है क्या बदल सकता है, क्या वो चेंज हो सकते हैं फॉर द बेटर. आपको ऐसा लगता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बहुत ही ज़्यादा डील कर रहे हैं. अ पर्सन हु यू आर डीलिंग विथ इज़ अ नार्सिसिस्ट. ठीक है, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है. अगर आप मैरिड है उनके साथ तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, सब लोगों के लिए नहीं हो सकता ये, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन. ये इंसान जो आपको लगता है कि काफी, मुझे इस तरह से दिख रहा है बाकी लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ना आप इस रिलेशनशिप से कभी बाहर आ सकते हैं, ना आपको आज जाने दिया जाएगा, आप कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे. आपने बरसों शायद मेहनत किया था, प्रार्थनाएं मांगे आपने, एक नई जिंदगी के तरफ आपके कदम आप बढ़ाना चाहते हो, बट विल इट कम. क्या आपके नसीब में सिर्फ चीटिंग, डिसीव, ठीक है, सिर्फ बेईमानी, सिर्फ गद्दारी, यही लिखा है? इज दिस रिटन इन योर डेस्टिनी? आपको लगता है ये चीज़?
ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि मेरे, अगर आपके पास सब कुछ चीज़ है, आपने अपने करियर के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी आपने अपने समय जो है इन अ राइट चैनल आपने यूटिलाइज किया, आपके काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप काफ़ी घंटों बैठकर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ किए हैं, कुछ लोगों ने आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी सटीक जो एक रिश्ता है वो मिलेगा या नहीं, क्या ये पर्सन जो है बदल जाएंगे या नहीं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में आने का योग्यता रखते हैं या नहीं। सो व्हाट इज़ दैट, डू यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आप खुद ही पूछते हो अपने आप को, क्या मुझे शुरुआत करने चाहिए, क्या मेरे तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए। हो सकता है कि पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ वो एक इम्प्रेशन आपके माइंड पे छोड़ रहा है, वो एक दाग के जैसा, जैसा होता है ना कि हमारे कभी कभी हाथ छिल जाते हैं, कट हो जाते हैं, लेकिन उसका दाग जो है, बर्नड मार्क, स्पेसिफिकली अगर कोई जला हुआ जगह होता है उसका मार्क रह जाता है, और वो निशानी हमें याद दिलाता है कि एक ना एक दिन हमारा हाथ जो था ना वो जला। ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो भी हुआ आपके साथ, यू एक्सपेक्टेड अ बेटर पर्सन, आपने सोचा था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको अपनाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा शिद्दत भरा रिश्ता होगा यहाँ पे, बट ऑपोजिट यू कुड सी। ठीक है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, एज गैप होने के कारण यहाँ पे लेवल बराबरी का नहीं है, आप भले ही बहुत ज़्यादा ईगर हो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, कुछ लोग तो मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आपको बोला जाता है कि आप बैलेंस रखने की कोशिश करें, अपना टेम्पर, गुस्सा जो है उसको कंट्रोल रखने की कोशिश करें, आप करते हो, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो, यू डोंट रिजेक्ट आइडियाज़, यू अप्लाई आइडियाज़, आप करते हो, जो भी आपको करने के लिए बोला जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, आप करते हो, यू आर वेरी ओबीडियंट। तभी भी आपको लगता है कुछ भय, कुछ इनसिक्योरिटी, शायद ये नहीं रहेंगे तो मेरे जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता, शायद मेरा कोई फाउंडेशन ही नहीं होगा, मेरा स्टेबिलिटी ही नहीं होगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड पे चलते हैं, और कंटिन्यूसली आप जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा हेडेक आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाकी दोस्त लोग तो ऐसा नहीं है, मेरे बाकी कजिन्स लोग उनके जीवन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जब से इनके साथ आपका संबंध बढ़ा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऑल द रिलेशनशिप्स आर लाइक दिस टॉक्सिक, बट आपने तब से देखा है कि इन्होंने ना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रोक टोक लगा के रखा है, फ्रीडम जिसको बोला जाता है, आज़ादी जैसे छीन लिया है, मतलब उनको इन्फॉर्म करके आपको सब कुछ करना है, क्या वो आपके पेरेंट्स हैं, इस तरह से आपको लगता है कि ये तो मेरा पेरेंट्स जैसे होंगे ना, उनको बार बार इन्फॉर्म करूं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, डू आई नीड टू इन्फॉर्म एवरी टाइम, इज इट पॉसिबल, आपको लगता है। तो इनके साथ आपकी शुरुआत आपको करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्या आपको अपना करियर में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए या इस इंसान के पीछे जाना चाहिए। यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दो एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, मे बी टू पर्सन आर देयर इन योर लाइफ, डू थिंक दैट, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेजेंट पार्टनर जो है वो सही नहीं है, लेकिन जिनके साथ शायद आपकी रिलेशनशिप है दूसरा, मे बी, आई डोंट नो बट आई फेल्ट, वो क्या अच्छे है, सो देर आर सर्टेन थिंग्स ना, जिनके भी लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है। मुझे तो दिख रहा है इनकी ज़िंदगी में भले ही बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोफेशनल एरिया में करियर वाइज काफ़ी कुछ कंपटीशन, राइवलरीज, ठीक है, इनके जो टैलेंट है मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये डट कर सामना कर रहे हैं, दे आर वेरी करेजियस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को, मतलब लोगों के सामने तो ये चाहते हैं कि आप दोनों
बहुत ही अच्छा कपल बन के रहे, बट आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, स्टेप बाय स्टेप ये कोशिश कर रहे हैं आपकी मन को समझने का. दे आर इवन स्पाइंग यू, दे आर इवन स्टॉकिंग यू, दे आर इवन प्लानिंग फॉर अ डेट विथ यू, ताकि उस डेट में आपको सब कुछ समझा पाए, एक सल्यूशन तो लेके आ पाए. ये ऐसे ही चाहते हैं. बहुत समय हो गया है, कितना देर और वेट करना है, ये आपसे भी जवाब मांगेंगे, आप भी इनसे जवाब मांगेंगे, इनको पता है. तो इसलिए ऐसा वो सोच रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, शुड आई अप्रोच और शुड आई स्टे इन माय ओन पोजीशन. क्या मुझे अपने ही, जब तक मैं उसको क्लैरिटी ना दे दूँ तब तक क्या मुझे उसी पोजीशन में रहना चाहिए. ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि कमिटमेंट तो वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उसको स्वीकार करेंगे. पहले से उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, ये तो मैं देख पा रही हूँ. लेकिन ये इंसान, जैसे बोला जाता है ना कि नेचर ऑफ अ पर्सन, पर्सनालिटी चेंज हो सकता है, लोग लुक्स वाइज चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू करे, चाहे वो जिम विम जाए, डोले शोले बनाए, उससे वो कर सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है पर्सन का वो चेंज नहीं होता. अंदर से जो वैल्यूज़ है, संस्कार है, वो तो चेंज नहीं होता ना, वो वही पोजीशन में आ जाते हैं. चाहे कितने भी गुस्से वाले इंसान को आप बोलो कि शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन बचपन से ही वो गुस्सा वाले इंसान है. जब तक बहुत बड़ा कुछ हादसा हो नहीं जाएगा तब तक वो शांत नहीं होंगे. उसी तरह से इस इंसान का जो पर्सनालिटी मे हैव चेंज, मे बी बिहेवियर भी कुछ हद तक चेंज हुआ है, बट नेचर वाइज दे आर द सेम. सो दे आर फीलिंग कि मैं इनके तरफ तो पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, मैं अप्रोच तो कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन क्या ऑपोजिशन, मतलब आप ऑपोजिट में अगर देखा जाए, वेदर यू विल एक्सेप्ट और नॉट, क्या उनको अपने एक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, ये भी ये सोच रहे हैं. मैं आपको बता रही हूँ, ये भी ये सोच रहे हैं, क्या मुझे अपने एक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या आप अगर न्यू पर्सन है उनके लाइफ में तो उनके आपके साथ. सो दे आर ऑल्सो इन दैट पोजिशन. क्या उनको आपको कमिटमेंट दे देना चाहिए और आपको वेट कराना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंसान, दैट्स ग्रेट. क्या उनको आपको बुलाना चाहिए, सीधा फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाहिए, या अपने जगह पे बैठ के तमाशा देखना चाहिए. उनको क्या करना चाहिए, वो ऐसा सोच रहा है कि आप उनके तरफ अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनको बहुत पसंद करते हैं तो. सो दे आर अ पर्सन, यू नो व्हाट, वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी मच, यू कैन से दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट डिसीटफुल, बट highly you can say that they play, you can say that lot of they always do some kind of conspiracies. ठीक है, षड्यंत्र रचना इनका एक जैसे मतलब habit हो चुका है, अपने professions में ऐसा करते हैं और वही reflect होता है इनकी personal life में. recently उनके ज़िंदगी में कुछ fight हुआ है उनके colleagues के साथ, उनके parents के साथ, या उनके फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ कुछ हुआ है इनका. ठीक है, ये पर्सन राइट हैंड पे कुछ लोगों के लिए रिस्ट वॉच पहनते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की राइट ईयर में एक स्टड हो सकता है. ठीक है, ये बहुत स्टाइलिश इनका, अगर ये मेल है ना, इनको भी सज मतलब गेटअप करने में एक घंटा लग जाता है. ठीक है, आप बोलोगे कैसे, वैसे ही है ये, देखेंगे सारे एंगल से मिरर्स में कि कितना अच्छे लग रहा है, फिट है या नहीं. ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ही, दे आर ऑलवेज लाइक यू नो कैसनोवा टाइप, वो हमेशा ही चाहते हैं कि, अगर ये मेल है, चाहते हैं कि लड़की लोग का अट्रैक्शन उनके ऊपर ही पड़े, चाहे उनके एज कितने भी हो, दे लाइक दैट ओनली. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, सब कुछ चीज़ अपनी मुट्ठी में करना, सबको अपने इशारों में नचाना, इस तरह का ख्यालात है जो इट्स, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट. ठीक है, अभी हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं. सो व्हाई इज दिस हार्वेस्ट, जजमेंट का कार्ड है, भले रियूनियन चाहते हैं,
खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, बट आई डू थिंक सो, यही मैंने आपको कहा, ये कुछ चीज़ों को ये ऐसा सोच रहे हैं, क्या ये अपने एक या पास्ट पार्टनरशिप को एंड करना है या एक न्यू रिलेशनशिप को फिर से मजबूत करना है। मुझे लगता है ये चाहते हैं, देखो यहाँ पे भी ज़मीन है, यहाँ पे भी फ्रूट्स है, राइट। सो आई डू थिंक सो कि ये चाहते हैं कि ज़मीन जितना गहराई में ये पेड़ को आप लगाओगे उतना उसका फल आपको मिलेगा, बिकॉज इट विल बी ग्राउंडली रूटेड, ठीक है, रूटेड ग्राउंडली, ओके। सो यहाँ पे शायद वो इस हादसे से गुजर चुके हैं जहाँ पे उनको एंड करना पड़ा, तो ये ऐसा भी सोच रहा है क्या मुझे करना चाहिए, इज इट द राइट टाइम टू डू दैट और नॉट। अभी से मैं अगर करूँ तो हो सकता है इन फ्यूचर आई कैन गेट गुड रिजल्ट्स। सो दिस पर्सन इज ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड, वो देख रहे हैं किसमें उनका सुख होगा। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये आपका देख रहे हैं, ये खुद का देख रहे हैं कि ये कहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, आई डू थिंक सो दैट दे डोंट वांट टू यू कैन से स्टे इन देयर करेंट जॉब या बिजनेस, अगर उनका पार्टनरशिप है वो करना नहीं चाहते। दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, दे वांट टू गो ओवरसीज, ठीक है, इनको नहीं पसंद, एटलीस्ट वो सिटी को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ काम करके हो सकता है कि इनकी सैलरी अच्छा है, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, नहीं है। और उसकी भी जो एक रिफ्लेक्शन है, शायद जब आप बात करते हो बहुत ज़्यादा, ये इंसान जो है नहीं बाद में बात करना, अभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स है मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, बहुत लोड है मेरे ऊपर, लोड आ जाता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द कोर्स ऑफ बिजनेस और जॉब। सो बेसिकली उनको इस तरह से ही है, आपको क्लियरली जवाब नहीं देंगे वो, ठीक है, बट दे वांट टू एक्सपेंड, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी करियर अनस्टेबल है, इसीलिए वो आपको मतलब वादा कैसे भी करेंगे, करना चाहते हैं बट कैसे भी करें, क्योंकि उनको तो अभी भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ऐसा होता है हैबिट, जितने भी उनके पास सैलरी मिले, पैसा मिले, कमाए, तभी भी वो स्टेबल नहीं फील करते, दैट इज देयर फीलिंग्स ना। वाई दिस इज अ क्रोन, क्रोन क्यों है यहाँ पे, क्रोन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रोनी, मतलब बेस्ट फ्रेंड। सो देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, भले ही लोग इसको भले ही डिले का कार्ड समझते हैं, लेकिन इट्स अ प्रॉपर प्लान, इट्स अ प्रॉपर मेथड, ये इंसान स्टेप वाइज आपके तरफ पहुँचना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये आपको कमिटमेंट देंगे नहीं, ऑल ऑफ अ सडन वो होगा नहीं, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू होगा, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होगा, ठीक है, लगभग सोच समझ के ये होगा। अभी जो इनकी फोकस है ये इट्स ओनली टू अर्न मनी, ओके, एंड देन देयर सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, द टावर, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि जो डिस्ट्रैक्शन हो चुका आप दोनों के बीच में, जो भी फसाद हुआ, प्रॉब्लम्स हुए, झंझट हुए, कैओस हुआ, लोग इवन पड़ोसी लोग भी जाने, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप लोग अगर मैरिड हैं तो उस चीज़ को फिर से रिकंस्ट्रक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बट सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अ कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, मेहनत तो ये कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं पर ये चाहते हैं कि ये जो फूल है वो फिर से खिले, पॉलिश्ड रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, उस तरह से ये सोच रहे हैं। नाइट ऑफ शैलिसेस, एक बात बोलूं मैं, ये इंसान बहुत ज्यादा मतलब डिले इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंसान एक कदम चलेंगे ना फिर दूसरा कदम ही पीछे करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पहले वो श्योर होना चाहते हैं
कि मैं जो पहला कदम रखना रखने वाला हूँ रखने वाली हूँ क्या वो सही है, वरना मैं पीछे कर लेती हूँ कदम. सो दे आर जस्ट मूविंग, ठीक है, टू एंड फ्रो इन दिस रिलेशनशिप. नाइट ऑफ कप्स क्यों है, ये आपको क्यों प्रपोज करना चाहते हैं, बिकॉज जो मेमोरीज है वो कभी भी हमारे जो बचपन के मेमोरीज है, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, क्या वो कभी मिट जाएगा? नहीं, वो यादें रह जाएंगे. चाहे हमारे फ्रेंड्स कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो, न्यूजीलैंड में हो, अमेरिका में हो, ठीक है, कहीं पे भी वो हो सकता है, लेकिन हमने जो एक साथ पार्टीज़ किए हैं, हमने जो एक साथ, हमारा जो एक फ्रेशर पार्टी था, हमारा जो एक फेयरवेल पार्टी था, हम लोग जो एक दूसरे के भैया और दीदी की शादी पे गए, क्या हम उसको भूल सकते हैं? वो नहीं भूल सकता, वो नहीं मिट सकता, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, राइट. तो जब भी उनको आपका याद आ रहा है, तब भी उनको ऐसा लगता है कि आई शुड टेक दिस स्टेप नाउ, आई शुड टेक दिस स्टेप नाउ. ओके, सेवन ऑफ वैंड्स. सेवन ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? यस, दे वांट टू रीच टूअर्ड्स यू, देयर मोटिव इज टू गेट मैरिड. अगर आप मैरिड नहीं है उनके साथ, अगर आप मैरिड है, टू मेक योर मैरिड लाइफ, दैट इज कॉन्जुगल लाइफ, वेरी मच एक्साइटिंग. वो वही चाहते हैं. ओके, एस ऑफ, ये तो आपके साइड से था. एनीवे, यहाँ पे क्यों है किंग ऑफ वैंड्स? किंग ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आई टोल्ड यू दैट जब भी एक्शन लेने का बात होता है, ये ऐसा सोचते हैं, उनके गुरूर उनको रोकता है और कुछ नहीं, गुरूर उनको रोकता है, देयर ईगो ओनली, ठीक है, देयर प्राइड, देयर फॉल्स ईगो, वही रोकता है और कुछ नहीं. बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये हट जाते हैं, राइट. क्यों हट जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ईगो. उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तो सुप्रीम पोजीशन में हूँ, ठीक है, तभी वो एक बाउंड्री बना देते हैं आपके लिए, ठीक है. सारे कार्ड जस्टिफाई हो गए. अभी हम देखना चाहते हैं इनकी नेक्स्ट मूव क्या है, व्हाट इज देयर नेक्स्ट मूव. व्हाट इज देयर नेक्स्ट मूव? Two of Pentacles, Four of Chalices, Ten of Athens, the Horned God. So the commitment is only coming after a period of, you can say, self-realization. ये तभी हो पा रहा है जब इनकी जिंदगी में juggling का जो है वो बंद हो रहा है, उनका career उनके हिसाब से stable हो रहा है, जब उनको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है. डेफिनेटली आई डू फाइंड द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप इन देयर लाइफ. उनके जीवन में ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी जो भी है उनका एंड हो रहा है. लगभग उनके पास साथ कोई भी नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंड देन दे आर कमिंग टूअर्ड्स यू विद अ कमिटमेंट. उसके नीचे भी स्टार कार्ड था. ये डेस्टाइंड कनेक्शन है, नो वन कैन स्टॉप दैट. ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैसेजेस. आई कॉल यू माई क्वीन बिकॉज यू मेड मी अ किंग, यू मेड मी एन एम्परर बेसिकली. ओके, यू मेड मी अ किंग. यू हैव टर्न्ड आवर रिलेशनशिप इनटू पैराडाइज. आई डोंट वांट टू लीव विदाउट यू. ये इंसान ऐसा कहना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी को जन्नत बना दिए हैं, ठीक है. तो आप उनको राजा बना रहे हो क्योंकि आप उनके रानी हैं इसी तरह से, एंड वो आपके बिना जी नहीं सकते और जीना नहीं चाहते हैं. ओके, मच मोर आई मिस दोज मोमेंट एज द डेज फेड अवे. यहाँ पे मिसिंग, मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे साथ हमारे दोस्तों का मेमोरीज कभी भी नहीं मिट सकता, हम अभी भी याद करते हैं, डेफिनेटली वो लोग भी याद करते हैं. तो वो सारे मोमेंट्स जो है आपके पार्टनर की बिताया हुआ मोमेंट्स आपके साथ, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, चाहे वो चैट हो,
चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे आपके साथ उनका इंटीमेट रिलेशनशिप हो, जो भी हो वो मिस कर रहे हैं. आई स्टिल रीलीव दोज मोमेंट्स, मतलब वो फिर से उस पल को जीते हैं. ठीक है, जीना इसी का नाम है. माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक, माई स्माइल फॉर यू विल नेवर फेड, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड. उनका प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होगा. यू आर द पर्सन हु पुशेस मी अप व्हेनेवर आई फील सो लो, थैंक यू. तो जब वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं तो आप ही तो उनको सहारा देते हो, तो यही बोल रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड शेयर दिस वीडियो.